हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा चौधरी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे गाइस। और गाइस, हम यहाँ बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं लौकी को अच्छे से धोती हूँ, फिर उसे छील के फिर वापस से धोती हूँ दोबारा से, और फिर उसे मैं नमक लगा के 5 मिनट या 10 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है और हमारे जो पकोड़े होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, फटते नहीं हैं, फैलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे पकोड़े बनते हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं वही सब कर रही थी, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल रही थी और देखिए कितना पानी निकला है लौकी से। यदि हम डायरेक्ट इसमें बेसन मिलाते ना तो सारे पकौड़े हमारे ख़राब हो जाते, बिल्कुल भी अच्छे पकौड़े नहीं बनते। तो ये देखिए मैंने कितना पानी इसमें से निकाल दिया है। और अब क्या है कि इसमें हम अब बेसन मिलाएंगे, तो ये हमारे जो ये पानी है हम इसको फेंकेंगे नहीं, इस पानी से हम आटा लगा लेंगे, तो ये पानी हमारा वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लौकी ले लिया है और हम इसमें डाल रहे हैं बेसन। तो बेसन मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि डब्बे में बेसन ख़त्म हो चुका था और अब मैंने पैकेट खोला है तो उसमें से डाला है। तो यहाँ मैंने करीबन 2 चमचे इसमें पानी वो सॉरी बेसन डाला है और इसमें मैंने हल्दी, नमक और मिर्च डाले हैं क्योंकि मैं इसके पकौड़े ना खाने में बहुत स्वाद लगते हैं, तो अपने बेटे के लिए ये पकौड़े देने वाली थी। और पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, देखिए सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पकौड़े इतने मस्त बनेंगे ना बहुत ही ज़्यादा। यदि आप डायरेक्ट ऐसे ही इसमें बेसन मिलाते हो ना तो बहुत सारा तो बेसन मिलता है तो फिर बेसन का ही टेस्ट आता है ज़्यादा और पकौड़े इतने अच्छे से नहीं बन पाते। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये बन के तैयार हुआ है। और आपके पास इसमें प्याज डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो, पर मैं अपने बेटे के लिए दूंगी इसे खाने के लिए पकोड़े, तो मैं ये सब नहीं डालूंगी। तो अब हम इसके पकोड़े बना के प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए गोल गोल लड्डू से बना लेंगे हम इसके, तो कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं ये ऐसे, तो देखो। तो सभी के ऐसे ही हम लड्डू बना बना के इसमें रख लेंगे और उसके बाद इन्हें तेल में तलेंगे। तो मैं सभी के लड्डू बना के रखूँगी एक साथ ही और फिर सिर्फ हमारा तलने का काम रहेगा क्योंकि बार बार हाथ सनते हैं ना, तो इसलिए मैं एक ही साथ बना के रख लेती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो गए हैं ये हमारे। तो हम इन्हें तेल हमने गरम कर लिया है और गैस की आँच को हम धीमी ही रखेंगे, धीमी आँच पर इनको पकने देंगे वरना ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे निकलेंगे, तो इसीलिए हम इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही धीमी आंच पे। और बहुत अच्छे से क्रिस्पी पकोड़े बनके हमारे तैयार होंगे। आप कोफ्ते नहीं बनाना चाहते हो तो आप चाय के साथ भी नहीं खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सो इसे आराम आराम से तलने में कम से कम 8 से 10 मिनट इसमें आराम से लग जाएंगे। यदि आप तेज आंच पे पकाते हो तो ये बाहर से ही पकेंगे, अंदर से इतने अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए इसे हमें धीमी आंच पे ही पकाऊंगी। तो यहाँ हमारे पकोड़े बन रहे हैं और एक साइड मैं अपना मसाला भी तैयार कर रही थी जो सब्जी बनानी है हमें। ये देखिए हमारे लगभग पकोड़े हो ही चुके हैं। तो जो हमें कोफ्तों में डालने हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का सा कलर आ जाए तो वही बहुत है। आपको कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और कोई भी वीडियो है बहुत मेहनत से बनती है, सब मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो देखिए हमारे ये जो है पकोड़े बनके तैयार हैं। अब इस कढ़ाई में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं, कलर भी एकदम क्रिस्पी
बने हैं, कोई कह नहीं सकता पकौड़े, ऐसे लग रहे हैं रसगुल्ले वगैरह बनाए हुए। ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। गर्म हैं अभी, तो मैं अपने बेटे को देने के लिए जा रही थी यहाँ पे, उसे खाने में अच्छे लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसी ऐसी चीज़ें मैं उसको खिलाती रहती हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा ऑयल इसी कढ़ाई से निकाला है, उसी कढ़ाई में मैं तड़का लगा रही हूँ। तो मैं तड़के के लिए यहाँ जीरा और हींग ले रही हूँ। तो मैं लगभग सभी सब्जियों में हींग डालती हूँ क्योंकि बच्चा भी घर में खाना खाता है, तो हींग जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जीरा हींग हमारा डल चुका है, तो अब इसमें मैं लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ जो मैंने बना के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं और 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और सबका पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को हम हल्का ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे इसे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और देखें हमारा पेस्ट लगभग तैयार है। और तब तक हम टमाटर की प्योरी तैयार कर लेते हैं। तो तब चलिए, तो हमारा ये पेस्ट भी भून जाएगा अच्छे से। तो मैं बीच बीच में चला भी रही थी और बीच बीच में टमाटर की प्योरी भी तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो मैंने 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और 1-2 सेकंड हम इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं उनकी कच्चे स्मेल सब्जी में ना आए, इसीलिए। और यहाँ पे जो मैं मसाला बना रही थी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से पी चुका है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं 2 टमाटर की प्योरी बनाई है उससे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट हम टमाटर को भी पकाएंगे। मसाले डालने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मसाले पहले ही डाल दिए हैं और मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। हमारी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और नमक मैंने पहले नहीं डाला था और नमक मैं अब ऐड कर रही हूँ। नमक हमने डालना है यहाँ स्वाद के अनुसार, नमक पकोड़ों में भी है तो इसीलिए नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बस हमारी ग्रेवी में जितना नमक चाहिए हमें उतना ही इसमें ऐड करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो लगभग तैयार है। हम इसमें 1 से 1.5 गिलास करीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो पकोड़े होते हैं ना तो वो पानी बहुत जल्दी पी जाते हैं और उस हिसाब से हमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है इसमें। इस सब्जी को बनाने में करीब आपको 1 घंटा आराम से लग जाएगा क्योंकि ये सब्जी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो खाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना बनाने में लगता है, तो इसीलिए इस सब्ज़ी को आराम से बनाएं और स्वादिष्ट भी बनती है। तो अब ये पानी बॉईल हो चुका है, हल्के हल्के बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसमें अपने पकौड़े डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे ढक के 5-7 मिनट ऐसे ही पकने दूँगी। तो पकौड़े हमारे थोड़े फूल भी जाएंगे और जितना पानी है वो पी लेंगे अच्छे से। तो पकौड़े जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते लगते हैं इस तरह। आपके पास मलाई है तो मलाई डाल सकते हो, अमूल वाली फुल क्रीम जो आती है वो भी इसमें ऐड कर डाल सकते हो तो और भी टेस्टी लगते हैं, परंतु मैंने ये सारी चीज़ें नहीं डाली थी। तो ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं जो कोफ्ते हैं वो देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए गैस कर देते हैं बंद और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे हम ऐसे ही। 5 मिनट बाद मैंने खोला और यहाँ पे मैंने बनाई 2 रोटी अपने लिए, 1 रोटी अपने बेटे के लिए और साथ में ली है मैंने